पंजाब के अमृतसर में सिख धार्मिक जथेबंदियों की तरफ से बटाला के बाजारों में रोष मार्च निकाला गया और अमृतसर में पिछले कुछ दिनों से सिख नौजवान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के रास्ते पर लगे हुए बुत को तोड़ने के मामले में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले में पकड़े गए आरोपियों को छोड़ने की भी जो है मांग कर रहे हैं, जिसमें गुरुद्वारा साहिब के रास्ते में लगे लोकनाच के बुतों के खिलाफ सिख धार्मिक जथेबंदियों की तरफ से बटाला में रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने पंजाब सरकार के नाम पर एक मांग पत्र SDM बटाला को भी सौंपा है, जिसमें बुत हटाने की मांग रखी गई है। वहीं जो नौजवान बुत हटाने के लिए गए हुए थे और उनके खिलाफ केस खारिज करने और गिरफ्तार नौजवानों को छोड़ने की भी मांग की गई है। हरमंदर साहब नूं जाण वाले रस्ते दे विच चार बुत लाए गए सन, उन्हां नूं हटाउण संबंधी असीं कई वारां सरकार नूं मांग पत्र दिते, सरकार ने मांग पत्रां दी परवाह ना कीती ते नौ सिंघां ने रात्री दे समय जा करके जदों बुत दवाना दे नाल ढाए गए अते तुरंत उसे वेले उन्हां दे उपर 307 दा परचा दर्ज किया गया। एक ते सरकार तुरंत बिना शर्तों परचा रद्द कर दे ते दूसरा जिहड़े निचार पुत आ उतों हटा दिते जाण। जिहड़ा कि एसडीएम साहब मीटिंग ते गुरदासपुर गए होण करके मंग पत्र इन्हां वल्लों प्राप्त अही कर लिया, जिहड़ा कि आपां डिप्टी कमिश्नर मानयोग डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जी नूं भेज के उन्हां वल्लों इह मंग पत्र पंजाब सरकार नूं भेज दित्ता जाए।